गाइज इस क्वेश्चन को देखो, ये भी डेप्थ के अंदर जाने पर जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं उसी के ऊपर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है। काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की अगर इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करते रहेंगे तो। मेरे साथ साथ चैप्टर जो है पूरा टच में आ जाएगा, बस इसी तरीके से क्वेश्चन करते चले जाएं। आपको हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आप जा करके इंजॉय करें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें, एक अच्छे से बेस बना लें अपना, ताकि आप लोग अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे या फिर अपने सेशन एग्जाम में बैठे तो कहीं भी मार ना खाएं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। अर्थ के सरफेस से कितना नीचे जाएं, जमीन के अंदर कितना जाएं कि जी की वैल्यू में 1% चेंज आ जाए। तो इसका मतलब जो आपको कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि डेप्थ में जी जो बचा वो 1% हो गया, 1% बचा किसका, जी का। जी क्या है, ये ओरिजिनल जी है, मतलब ओरिजिनल का, ओरिजिनल नकली का मतलब यहाँ पर ये वो वाला नहीं है, ओरिजिनल का मतलब ये है कि शुरुआत में जो था, शुरुआत में तो जी था, तो जी का 1% बचा है नीचे जाने पर। तो ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर क्या आएगा। तो हमारे पास जी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1% ऑफ जी। ओहो, बहुत ज़्यादा कम हो गया यार, ये तो 1% बचा है जी का, इतना 99% ख़त्म, टाटा वाई वाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जी डी का फॉर्मूला क्या होता है, जी 1 - d/r रख दिया आपने। 1% ऑफ जी का मतलब है g/100, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करो, g - g/d/r g/100, ठीक है, इसे इधर को ले जाओ, g - g/100 इसे उधर को ले जाओ, g/d/r ये कितना हो जाएगा, 99 g/100 इज इक्वल टू g/d/r। तो g से g कट गया, आपके पास यहाँ बचा d/r इज इक्वल टू 99/100। आपसे d पूछा कितनी गहराई में जाओगे, तो भाई ये तो अब लगभग ख़त्म ही हो चुका है, r का 99% r का, तो लगभग आप जो है सेंटर के पास ही पहुंच चुके हो भाई। तो d इज इक्वल टू 99/100, r कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब d जो आ गया आपके पास ये आ चुका है 99 × 64। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको ऐसा मान लेते हैं 100 है ये, अगर ये 100 होता तो ये हो जाता 6400, तो 6400 में से 64 माइनस कर दो क्योंकि 99 है ये, 10 में से 4 निकाले 6 बचे, 9 में से 6 निकाले 3 बचे, यहाँ 3 बचे, यहाँ 6336। तो डी जो आया 6336 आ चुका है किलोमीटर में। इतनी गहराई में पहुँचोगे आप तब जाके जी जो बचा वो 1% बचेगा, 1% बचेगा, मतलब 99% तो ख़त्म ही हो चुका है, देख रहे हो आप, 99% ख़त्म हो चुका, 1% बचा है सरफेस के जी का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई टफ नहीं है, इजी है। तो अगर डाउट क्लियर थम्सअप करें वीडियो को, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।